वेल गाइस, आज हम अपने YouTube चैनल के लिए 3D इंट्रो बनाने वाले हैं, सेम जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, वो भी अपने मोबाइल फोन की मदद से। सो गाइस, इस इंट्रो को बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल पे कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको बिना वाटर मार्क वाले कैनमास्टर का लिंक मिल जाएगा। सो इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से स्पेक्ट्रेस्यू 6:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ राइट कॉर्नर में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, इस ब्लैक कलर की इमेज को यहाँ टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्लेहेड को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। फिर आपको यहाँ कॉर्नर में राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेना है। सो चलिए मैं अपनी गैलरी से अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी गैलरी से अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, आप फिर से अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो यहाँ से आपको एक इंट्रो टेम्पलेट ऐड करना है। सो जो टेम्पलेट मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको भी ऐड कर लेना है। सो यहाँ से इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से फुल स्क्रीन पे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे जो हमने अभी इंट्रो टेम्पलेट ऐड किया, इसकी लेंथ हमारे लोगो से और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है उससे बड़ा है। सो बारी बारी से हम ग्रीन कलर का जो इमेज है और लोगो है, इनकी लेंथ को इस टेम्पलेट के लेंथ के बराबर करेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ से ग्रीन कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। देन आपको इसे एक्सटेंड करके जो हमारा इंट्रो का लेंथ है, जो टेम्पलेट है, उसके बराबर कर लेना है। वैसे ही आपको यहाँ लोगो को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी लेंथ को भी एक्सटेंड करके यहाँ इसके बराबर कर देना है। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद सिंपली आपको जो टेम्पलेट ऐड किया था, इंट्रो टेम्पलेट, उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमने एक एनिमेशन बनाया। सो जो एनिमेशन मैं बनाया हूँ, इसको एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। वेल गाइस, जिस एनिमेशन को बनाने के बाद हमें इस एनिमेशन को सेव कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ राइट कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ बिट रेट को हाई रखना है और यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। वेल गाइस, फाइल को सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक खो लेना है। यहाँ से गाइज हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सो यहाँ आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से स्पेक्ट्रेस्यू 6:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में इमेज पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, इस प्लेहेड को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, फिर से आप डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो यहाँ से एक और हम इंट्रो टेम्पलेट ऐड करने वाले हैं। सो जो टेम्पलेट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको भी ऐड कर लेना है। सो यहाँ से आपको इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से इसे फुल स्क्रीन पे कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, फिर से आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज, अभी जो हमने काइनमास्टर से एक एनिमेशन फाइल सेव किया था, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो गाइज, अपनी गैलरी से उस एनिमेशन फाइल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, फिर से आपको जो अभी एनिमेशन फाइल ऐड की है, इसको यहाँ टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है। देन आपको स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, आपको यहाँ ब्लैक कलर वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके यहाँ एंड तक कर देना है, जितना बड़ा हमारा इंट्रो टेम्पलेट है। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है। चलिए मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, फिर जो है हम अपने चैनल का नेम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमारा इंट्रो काफी शानदार बना है। अब हमें यहाँ पे अपने चैनल का नेम ऐड करना है। सो इसके लिए आपको प्लेहेड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ ड्रैग करना है। कुछ इस पोजीशन पे लाने के बाद सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने चैनल का नेम ऐड कर लेना है।
सो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम ऐड कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपने नेम ऐड किया यहाँ से क्लिक करके इसके कलर को ब्लैक कर लेना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ब्लैक कलर करने के बाद अब हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ डबल ए का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ से जिस भी फॉन्ट को चाहें चूज कर सकते हैं अपने नेम के लिए। सो यहाँ पे आज जो मैं फॉन्ट यूज किया हूँ इसका नाम है Oswald Bold, जो कि आपको यहाँ स्टोर से मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो कुछ इस तरीके से नेम का फॉन्ट चेंज करने के बाद हमें अपने चैनल नेम को ड्रैग करके यहाँ लोगो के जस्ट नीचे प्लेस कर देना है। सो कुछ इस तरीके से प्लेस करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से फेड को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी टाइमिंग को 1 ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा इंट्रो कम्प्लीटली बन चुका है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो पे क्लिक करके इसके फेड आउट को इनेबल कर देना है और यहाँ से इसकी टाइमिंग को 1 कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस चलिए मैं आपको फाइनली अब इस इंट्रो को प्ले करके दिखा देता हूँ। वेल गाइस इंट्रो बन जाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ राइट कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ से जिस भी रेजोल्यूशन में चाहें इस इंट्रो को सेव कर सकते हैं। वैसे इस वाले काइनमास्टर में आपको 4K तक का ऑप्शन मिलता है अगर आपका डिवाइस सपोर्टेबल है तो। वैसे अक्सर मैं यहाँ पे 1080p में ही सेव करता हूँ। बिट रेट को आपको यहाँ से हाई रखना है। देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस अगर आपको इंट्रो बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे भी इंट्रो बनवा सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा चार्जेस लेता हूँ। इंट्रो लोगो आउट्रो बैनर सब्सक्राइबर एनिमेशन से तमाम चीजें बनाता हूँ। सो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दिया हूं, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।